बोरोबुदूर इंडोनेशिया के मध्य जावा प्रांत के मलेलांग नगर में स्थित 9वीं सदी का बौद्ध विहार है। यह 6 चकोर चबूतरों पर बना है, जिसमें 3 का ऊपरी भाग गोलाकार है। यह 2672 शिलालेखों और 504 बुद्ध प्रतिमाओं से सजा हुआ है। इसके बीच में बने प्रमुख गुंबद के चारों ओर स्तूप वाली 72 बुद्ध प्रतिमाएं हैं। इसे विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विहार माना जाता है। इस बौद्ध विहार का निर्माण 49 फीट ऊंची चट्टान पर किया गया था। बोरोबुदूर को एक बड़े स्तूप की तरह बनाया गया है। इसका स्वरूप पिरामिड से प्रेरित है। इसका मूलाधार वर्गाकार है, जिसकी हर भुजा करीब 118 मीटर की है। इसमें 9 मंजिलें हैं, निचली 6 मंजिलें चौकोर और ऊपरी 3 गोलाकार है। ऊपरी मंजिल के बीच में एक बड़े स्तूप के चारों ओर घंटी के आकार के 72 छोटे स्तूप हैं, जिनमें नक्काशी किए गए छोटे छोटे छेद बने हुए हैं। बुद्ध की मूर्तियां इन छोटे छोटे छेद से बने पॉट के अंदर स्थापित है। इन स्तूपों में जावा और उसके पड़ोस के द्वीपों पर शासन करने वाले भारत के राजाओं की वास्तुशिल्पीय परिकल्पना का उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है। इसके सबसे ऊपरी हिस्से पर घंटे के आकार का विशाल स्तूप है। इसके शिलापट्टों पर बुद्ध की अनेक मूर्तियां बनी हुई हैं। इसका निर्माण 9वीं सदी में शैलेंद्र राजवंश के कार्यकाल में हुआ। स्मारक में बहुत सारी सीढ़ियां व्यवस्थित रूप से बनी हुई हैं। गलियारों में 1460 शिलाओं पर बुद्ध से जुड़ी कथाओं का वर्णन किया गया है। यह यूनेस्को द्वारा घोषित वैश्विक विरासत भी है। जालीदार छिद्रों वाले इन प्रत्येक स्तूप में भगवान बुद्ध की धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में स्थित मूर्ति उकेरी गई है। यह मुद्रा गतिशील धम्म चक्र को दर्शाती है। यह वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ में भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए सर्वप्रथम प्रवचन का प्रतीक है। यहाँ इन स्तूपों की रचना, ज्यामिति व समरूपता विस्मयकारी है। आश्चर्य होता है कि इनके वास्तुविद व रचनाकारों ने इनकी कल्पना भी कैसे की होगी। इनकी संपूर्ण संरचना पत्थरों को आपस में फंसाकर की गई है। किसी गारे, चूने व किलों का उपयोग इनके निर्माण में नहीं किया गया। इन स्तूपों पर उपस्थित छिद्रों द्वारा इनके अंदर झांका जा सकता है। शिथिलता से फंसाए इन पत्थरों के पास आकर किसी अकल्पनीय आशंका से मन दहल जाता है। सरदल व शहतोर युक्त सेहावटी अंदाज में बनाए गए मेहरबदार द्वारों पर कीर्तिमुख की शिल्पकारी की हुई है। हर मंजिल के प्रवेश द्वारों के दोनों तरफ द्वारपाल स्वरूप शेर की मूर्ति बिठाई गई है। इस विहार के निर्माण में बड़ी तादाद में पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। इस काल में इतने पत्थरों को एक स्थान पर किसी तरह एकत्रित किया गया, ये कैसे किया गया, ये समझ के परे है। इसके वास्तुविद व निर्माता की प्रतिभा अप्रतिम है। संपूर्ण विश्व के लिए यह विहार महायान बौद्ध धर्म का केंद्र है। यह एक अत्यधिक विकसित सौंदर्यवाद का जीवित उदाहरण है। विज्ञान और कला का ऐसा अभूतपूर्व संगम है जो आपकी हर समझ को प्रभावित करता है। इसके एक एक पत्थर आपसे संवाद साधने की शक्ति प्रतीत होते हैं।
बोरोबदूर यह शब्द दो शब्दों के जोड़ से उत्पन्न हुआ है, बोरो अर्थात बड़ा और बुदूर अर्थात बुद्ध यानी बड़ा बुद्ध। जावा प्रदेश की भाषा में बदूर का एक अर्थ पर्वत भी है। बड़े पर्वत का आभास करता बोरोबदूर मंदिर इस नामकरण पर खरा उतरता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि बोरो शब्द बौद्ध मठ अथवा बौद्ध विहार का अपभ्रंश है। बोरोबदूर में 500 से अधिक बौद्ध प्रतिमाएं हैं, जिनमें अधिकांश में बुद्ध पद्मासनरत है। अधिकांश प्रतिमाएं निचले मंजिलों की परिधि पर स्थित है व कुछ दीवारों के आलों पर बिठाए गए हैं। दुर्भाग्यवश वर्तमान में अधिकांश प्रतिमाएं शीश रहित है। बुद्ध से संबंधित मुद्राएं जो यहाँ देखी जा सकती है वे कुछ इस प्रकार है। भूमि स्पर्श मुद्रा अर्थात पृथ्वी साक्षी है, यह उनके महाज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। वरद मुद्रा अर्थात दान व परोपकार, यह दानवीर बुद्ध का प्रतीक है। अभय मुद्रा अर्थात साहस व निर्भयता, दर्शाता है कि बुद्ध हमारी रक्षा कर रहे हैं। ध्यान मुद्रा अर्थात एकाग्रता व ध्यान, ध्यानमग्न बुद्ध। धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा अर्थात गतिमान धम्म चक्र प्रतीत है भगवान बुद्ध के सारनाथ में दिए गए पहले प्रवचन का। वितर्क मुद्रा अर्थात तर्क और पुण्य, तर्क का दूसरा पहलू जो बुद्ध आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बोरोबदूर विहार संभवतः 800 ईस्वी के लगभग स्थापित हुआ था, अर्थात यह विहार करीब 1200 वर्षों से भी अधिक प्राचीन है। इस समय मध्य जावा में शैलेंद्र राजवंश के तहत श्री विजय का साम्राज्य था। इसके निर्माण का अनुमानित समय 75 वर्ष है। भारत की अजंता की गुफाओं की तरह बोरोबदूर का पुनर्विष्कार सन 1814 में लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थॉमस स्टैमफोर्ड रेफल्स ने किया, जो यहाँ अंग्रेजी शासन के दौरान जावा का कार्यभार संभाल रहे थे। उन्होंने डच अभियंता एससी कैनेलियस की मदद से करीब 20 वर्षों में जमीन खोदकर स्मारक को पूर्णतः बाहर निकाला। इन खंडहरों की खोज के उपरांत इसके पुनरुद्धार पर लगातार प्रयास होता रहा। रेफल्स को इसके पुनरुद्धार का श्रेय जाता है। सन 1973 में बोरोबदूर के जीर्णोद्धार का महाभियान चालू किया गया। इंडोनेशिया सरकार व यूनेस्को ने मिलकर बड़ी नवीनीकरण परियोजना के तहत स्मारक का जीर्णोद्धार का कार्य पूर्ण किया। नवीनीकरण की समाप्ति पर यूनेस्को ने 1991 में बोरोबदूर को विश्व धरोहर स्थलों की सूची में स्थापित किया। जीर्णोद्धार के पश्चात यह महायान बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए प्रमुख तीर्थस्थान व पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र बना।